नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में सरगर्मी तेज हो गई है। सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में विकास के मुद्दे को लेकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में गया नगर निगम के डिप्टी मेयर पद के लिए सैयद इमरान नवी की उम्मीदवारी पेश की है। इस दौरान उसने कहा कि वो इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता है। इस बार जनता भी बदलाव चाहती है। लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, जो कि 10 सालों में बिल्कुल नजर नहीं आया। इसीलिए लोगों ने अपना पूरा मूड बना लिया है। इस बार बदलाव कर शहर का विकास करेंगे। इसीलिए जनता के समर्थन से ही हम चुनाव मैदान में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता अपना आशीर्वाद देकर शहर के विकास के लिए आगे भेजेगी। वर्तमान समय में शहर में हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बरसात के दिनों में ये हाल हो जाता है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गया से जितेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी वर्तमान सरकार ने जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो आम जनता के लिए जो सबसे बड़ा काम किया है कि जनता जो है इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव खुद चुनेगी, तो इससे जनता का समर्थन है। जनता चाहती है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूं, इसलिए जनता के समर्थन से, जनता की चाहत से जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मैंने अपनी दावेदारी को पेश किया है। और वर्तमान सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस बार जनता को मौका मिला है और आम जनता के जो अधिकार है उनको अपने अधिकार को सही जगह इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है नीतीश कुमार जी ने। मैं नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और गया की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जनता के समर्थन से ही मैं चुनाव लड़ने के लिए इस बार मैदान में आया हूँ। नगर निगम की सरकार पहले से गया में है, और ऐसा कौन सा काम है जो आपकी नज़र में नहीं हुआ है और आपको जनता मौका देती है तो उसको आप पूरा करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो नगर निगम की, जहाँ तक आप बात करते हैं, निगम के द्वारा आज तक 10 से 15 सालों में जिस तरह से गया का विकास होना चाहिए, जिस तरह से गया विकसित होना चाहिए, आज तक वो हुआ नहीं है। केवल कागजी तौर पे दिखता है, जमीनी स्तर पर अगर आप आइए तो देखिए हर तरफ जर्जर व्यवस्था है, चाहे वो सड़क का हो, नाली का हो, या फिर अन्य किसी तरह का कोई काम हो। निगम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठगी किया गया, जनता को केवल ठगा गया है और कुछ नहीं। अगर जनता मुझे इस बार अगर चुनकर अगर निगम भेजने का काम करती है तो मैं जनता से ये वादा करता हूँ कि गया शहर में जो भी काम आज तक जो नहीं हो पाया है इन 10-15 सालों के अंदर में, मैं जनता को वादा करता हूँ तमाम कामों को मैं सही तरीके से और जनता के बीच में सही तरीके से उनको काम पहुँचाने का काम करूँगा। अगर मैं जीतता हूँ, अगर जनता मुझे विजय बनाकर अगर निगम भेजने का काम करती है तो मैं सबसे पहले हर वार्ड में, जो शहर के 53 वार्ड हैं, 53 वार्ड में मैं हर वार्ड को वार्ड क्लिनिक देने का काम करूँगा, जिससे आम गरीब जनता के स्वास्थ्य में काम आए। आम जनता, जो गरीब जनता है, जिनको जिस तरह से महामारी में जो हालात बनी हुई थी, लोगों के बीच में अफरा तफरी हुआ माहौल बना हुआ था, कम से कम हर वार्ड में एक क्लिनिक होने से आम गरीब जनता को उससे फायदा पहुंचेगा।